नमस्कार। विश्व भर से आए सभी अतिथिगण, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी, महाराष्ट्र गोवा के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्करण में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले जब हम 2021 में मिले थे तब पूरी दुनिया कोरोना की अनिश्चितता से घिरी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद का विश्व कैसा होगा, लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड सी रूट से ही होता है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में आज दुनिया को भी रिलायबल और रेजिलियंट सप्लाई चेन्स की जरूरत है। इसलिए ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट का ये एडिशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरिटाइम कैपेबिलिटी मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। इसी सोच के साथ बीते 9-10 वर्षों से हम इस सेक्टर को सशक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरिटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट ने वैश्विक व्यापार को गति दी थी। ये रूट दुनिया के कई देशों के विकास का आधार बना था। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी रीजनल और ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल देगा। नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट्स और इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसका निर्माण, आइलैंड डेवलपमेंट, इनलैंड वॉटरवेज,
मल्टीमॉडल हब्स का विस्तार, ऐसे कई बड़े काम इस योजना के तहत किए जाने हैं। इस कॉरिडोर से बिजनेस कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर्यावरण का नुकसान कम होगा और बड़ी संख्या में जॉब्स का भी निर्माण होगा। इन्वेस्टर्स के पास ये एक बड़ा अवसर है कि वो भारत के साथ जुड़कर इस अभियान का हिस्सा बने। फ्रेंड्स, आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। कंटेनर वेसल्स का जो टर्न अराउंड टाइम आज से 9-10 साल पहले 2014 में करीब 42 आवर्स था, वो 2023 में 24 आवर्स से 24 घंटे से कम रह गया है। पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड्स बनाई हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट से भी हमारे कोस्टल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। ये सारे प्रयास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ईज ऑफ लिविंग को कई गुना बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है, लेकिन हमारे काम ने पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रही है। भारत अपने कोस्टल शिपिंग मोड का भी आधुनिकीकरण कर रहा है। बीते एक दशक में कोस्टल कार्गो का ट्रैफिक दोगुना हो गया है और इससे लोगों को एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक ऑप्शन भी मिल रहा है। भारत में इनलैंड वाटरवेज के विकास से भी बड़ा बदलाव आ रहा है। पिछले दशक में नेशनल वाटरवेज की कार्गो हैंडलिंग उसमें करीब 4 गुना ग्रोथ देखने को मिली है। हमारे प्रयासों से बीते 9 वर्षों में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत की रेटिंग्स बेहतर हुई है। साथियों, शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में
भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मैरिटाइम क्लस्टर्स के विकास के जरिए हम शिप बिल्डिंग स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने के इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम कर रहे हैं। हम आने वाले वक्त में देश में कई स्थानों पर शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेंटर्स विकसित करने वाले हैं। शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भारत पहले ही ग्लोबली दूसरे स्थान पर है। अपने मेजर पोर्ट्स को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए भारत मैरिटाइम सेक्टर में नेट जीरो स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है। हम एक ऐसे भविष्य की ओर से बढ़ रहे हैं जहां ब्लू इकोनॉमी ग्रीन प्लैनेट बनने का माध्यम होगी। फ्रेंड्स, दुनिया के बड़े बड़े मैरिटाइम ऑपरेटर्स भारत आए, भारत से ही ऑपरेट करें, इसके लिए भी भारत में तेजी से काम हो रहा है। गुजरात के आधुनिक गिफ्ट सिटी ने शिप लीजिंग को एक प्रमुख फाइनेंशियल सर्विस के तौर पर लॉन्च किया है। गिफ्ट IFSC द्वारा शिप लीजिंग कंपनियों को अनेक तरह की छूट भी दी जा रही है। मुझे खुशी है कि दुनिया की 4 ग्लोबल शिप लीजिंग कंपनीज गिफ्ट IFSC के साथ रजिस्टर भी करा चुकी है। मैं इस समिट में आई अन्य शिप लीजिंग कंपनी से भी गिफ्ट IFSC के साथ जुड़ने का आह्वान करूंगा। साथियों, भारत के पास विशाल कोस्टलाइन है, मजबूत रिवराइन इकोसिस्टम और रिच कल्चरल हेरिटेज है। ये एक साथ मिलकर मैरिटाइम टूरिज्म की एक नई संभावना पैदा करते हैं। भारत में मौजूद करीब 5000 साल पुराना लोथल डॉकयार्ड एक विश्व विरासत है। एक तरह से लोथल क्रेडल ऑफ शिपिंग है। इस वर्ल्ड हेरिटेज को संरक्षित करने के लिए लोथल में नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। मुंबई से लोथल बहुत दूर नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बार लोथल भी विजिट करने जरूर जाएं। फ्रेंड्स, मैरिटाइम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमने विश्व की सबसे बड़ी रिवर क्रूज सर्विस की शुरुआत भी की है। भारत अपने अलग अलग पोर्ट्स पर इससे जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। मुंबई में नया इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया जा रहा है। इसी साल हमने विशाखापत्तनम और चेन्नई में भी ऐसे मॉडर्न क्रूज टर्मिनल बनाए हैं। भारत अपने स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ग्लोबल क्रूज हब बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है।
साथियों, भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास डेवलपमेंट, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड का ऐसा कॉम्बिनेशन है। ऐसे वक्त में जब भारत 2047 तक विकसित भारत होने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है, आपके लिए ये सुनहरा मौका है। मैं विश्व भर के आप सभी निवेशकों को फिर आमंत्रित करता हूं कि आप भारत आएं और विकास के रास्ते पर हमारे साथ मिलकर चलें। हम साथ चलेंगे, हम साथ साथ मिलकर के नया भविष्य भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।